दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर। ये टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में है, जिसका टाइटल है AGEN GG 221 रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर क्या होते हैं? जो अपनी सोलर वेव होती हैं, सोलर एनर्जी होती है, सनलाइट होती है, उसको कलेक्ट करके स्टोर करते हैं और हम मोर यूजेबल बनाते हैं उसको। किसके द्वारा? इन कलेक्टर्स के द्वारा। तो आइए देखते हैं इसमें हम। एक कलेक्टर इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग द एनर्जी प्रेजेंट इन सोलर रेडिएशन इंटू ए मोर यूजेबल और स्टोरेज फॉर्म, यानी कि मोर यूजेबल और स्टोरेज फॉर्म में उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं कलेक्टर्स के द्वारा। कलेक्टर्स आर यूज्ड इन सोलर हॉट वाटर पैनल, सोलर पावर प्लांट वेयर सोलर हीट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर जो सोलर हीट होती है उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बाय हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच ड्राइव टर्बाइन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, तो ये होता है अपने कलेक्टर्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर्स। फर्स्ट है नॉन कंसंट्रेटिंग एंड सेकंड है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। जो नॉन कंसंट्रेटिंग है उसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कलेक्टर एब्जॉर्ब द रेडिएशन एज इट इज रिसीव ऑन द सरफेस ऑफ कलेक्टर, यानी कि ये उन रेडिएशन को रिसीव करते हैं जो उसके सरफेस पर होती हैं, किसके? कलेक्टर के। अब जो आता है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कलेक्टर फर्स्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि सबसे पहले ये जो कंसंट्रेशन होता है रेडिएशन का उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाता है, यानी कि इसमें एनर्जी, इसमें अपने को ज़्यादा सनलाइट मिल जाती है। तो दिस टाइप ऑफ कलेक्टर फर्स्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया बिफोर एब्जॉर्बिंग इट। तो ये होता है कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टर्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टर्स में अपने पास करीब 10 तरह के कलेक्टर्स आते हैं, या कलेक्टर मशीन होती हैं, ये 10 तरह की होती हैं अपने जो कोर्स में हैं। फर्स्ट है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सेकंड है कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेशन कंसंट्रेटर। ठीक है, फ्लैट प्लेट में क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको इसके बारे में। सेकंड मैंने बताया आपको कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर। थर्ड है फ्लैट रिसीवर विद बूस्टर मिरर, एंड नेक्स्ट है हेमिस्फेरिकल मिरर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटर, हेमिस्फेयर मिरर कंसंट्रेटर। नेक्स्ट है पैराबोलिक ट्रो रिफ्लेक्टर, यानी कि ये पैराबोलिक शेप में होता है, ये हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। नेक्स्ट है पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, इसमें पैराबोलिक डिस्क होती है जिसके द्वारा रिसीवर लगा होता है और अपने को रेडिएशन रिसीव करता है या कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेशन, इसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ये। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड मिरर सोलर कंसंट्रेशन, ये फिक्स्ड मिरर सोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट होता है अपना लीनियर फ्रेशनल लेंस कलेक्टर, एंड लास्ट होता है सेंट्रल टावर रिसीवर कलेक्टर, सेंट्रल टावर रिसीवर कलेक्टर। ठीक है, तो ये 10 तरह के या 10 प्रकार के अपने पास सोलर कलेक्टर्स होते हैं।
अब बात करते हैं हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर की। फ्लैट प्लेट कलेक्टर ये डायग्राम बना हुआ है, एक देख लीजिए आप यहाँ पर, इस तरह का एक ये कलेक्टर होता है। यहाँ पर ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं जो सूर्य के द्वारा अपने को यहाँ पर प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ये लगा होता है ग्लास कवर, ऊपर एक ग्लास कवर है। यहाँ से ये लॉन्ग वेव रेडिएशन आ रही हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन, और यहाँ पर लगा होता है ये एब्जॉर्बर जो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह का होता है अपना ये सोलर कलेक्टर, ये है फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो टेम्परेचर होता है करीब 400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है। इसी तरह जो अपना पैराबोलिक डिश कलेक्टर होता है, पैराबोलिक डिश कलेक्टर के अंदर करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है, जो ये पैराबोलिक डिश कलेक्टर होता है इसके अंदर। बाकी 300, 400 नॉर्मली टेम्परेचर यहाँ पर मिल जाता है किसी भी कलेक्टर के अंदर। तो ये है आज का अपना इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर्स।